साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बरसात लगी हुई है। पिछले 24 घंटे से किसान भाइयों लगातार बरसात जारी है। जैसे ही साथियों बंद होगी तो खेतों की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि फसलों में कितना नुकसान किया है इस बरसात ने, क्योंकि भाइयों बहुत ज़बरदस्त बरसात पड़ी थी, अब थोड़ी धीमी हुई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा खेत है हमारे फार्म के ही बराबर में। तो साथियों, ये हमारी वैरायटी 16-1 में है। भाइयों, आप देख सकते हो कि धान बिल्कुल पके हुए हैं, कटाई के लिए तैयार थे। और भाइयों, बरसात तो लगभग कई रोज से हो रही है, लेकिन साथियों 24 घंटे से लगातार होती आ रही है। भाइयों, अब चलते हैं अगले खेत पर। तो साथियों, मैं अपने खेतों की तरफ जा ही रहा था तो रास्ते में ये खेत दिखाई दिया। तो आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बारिश पड़ी है, खेतों में तालाब की तरह पानी भरा हुआ है, सारा गन्ना गिरा दिया है। किसान भाइयों, ये हमारे दूसरे पड़ोसी के धान हैं और साथियों ये भी लगभग पक चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त इस खेत में नुकसान है किसान का। किसान भाइयों, लगभग 1.25 फुट इसमें पानी भरा हुआ है, सारी बालियां पानी में डूबी हुई हैं। किसान भाइयों, ये सारी ही बालियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि किसान भाइयों अभी मौसम ऐसा ही बना हुआ है, फिर से बारिश आने की पूरी संभावना है। तो भाइयों, आप देख पा रहे होंगे क्या कितना ज़बरदस्त किसान का नुकसान है। इतनी लागत लगाने के बाद भी किसान साथियों, किसान को ये सब सहना पड़ता है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि सारे ही खेत में पानी भरा हुआ है, जैसा कि साथियों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। किसान साथियों, अब चलते हैं आगे की तरफ और खेतों को भी देखते हैं कितना क्या नुकसान है। तो भाइयों, आप जैसा देख पा रहे हो, ये हमारे पड़ोसी का गन्ना है। साथियों, ये पहली बारिश पे गिर गया था, दोबारा से खड़ा किया था और रात की बारिश ने सारा गिरा दिया। किसान भाइयों, अब मैं आ गया हूँ साथियों अपने खेत पर। ये हमारा डबल लाइन ट्रेंच का गन्ना है। किसान भाइयों, ये हमारी 0118 की पेड़ी है। भाइयों, आप देख पा रहे होंगे क्या कितना हमारे खेत में पानी भरा हुआ है और सारा ही गन्ना किसान भाइयों इधर से उधर को बरसात ने कर दिया है। साथियों, अब चलते हैं आगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना पानी निकल रहा है। साथियों, बहुत बड़ा ढोल पड़ा हुआ है सड़क के नीचे, दूसरी साइड से दूसरी साइड को ये पानी निकल रहा है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी स्पीड से ये पानी दूसरी साइड जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो खेतों में कितना पानी जमा हो रहा है इस समय। साथियों, सारा चारा बर्बाद हो गया किसान भाइयों, गन्ना भी सारा का सारा पानी में लुढ़का पड़ा है। तो भाइयों, चलते हैं अब अपने दूसरे खेत पर। किसान भाइयों, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो भाइयों, अब मैं आ गया हूँ अपने सिंगल लाइन ट्रेन के गन्ने पर। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में भी बहुत सारा पानी गन्ने की नालियों में भरा हुआ है। लेकिन साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये हमारा सिंगल लाइन ट्रेंच का गन्ना है और साथियों सारा ही गन्ना लगभग सही खड़ा है, अभी नहीं गिरा है, नहीं झुका है। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि से गन्ना बोने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि भाइयों ये गन्ना जल्दी नहीं गिरता, जल्दी दूसरी विधि के गन्ना गिर जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस खेत में अभी हमारे में बहुत पानी नालियों में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा गन्ना सीधा खड़ा हुआ है। और साथियों, ये हमारे इस गन्ने की बहुत लंबाई है, लगभग
15-16 फुट के करीब, लेकिन साथियों मैं इसकी वीडियो थोड़ा दूरी से बना रहा हूँ तो इसलिए लंबाई इतनी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो साथियों दोबारा से मौसम ख़राब हो गया, आप देख रहे होंगे बादल गरज रहा है, तो घर को चलते हैं। तो किसान भाइयों अब मैं आ गया हूँ अपने घर पर, और घर पर आया ही था रास्ते में बारिश आ गई थी। तो साथियों वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। किसान भाइयों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर दबा दें। साथियों मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।